बात करते हैं मनासिक के हज के हवाले से। आज से मनासिक के हज का आगाज हो गया है और कल से ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक के नारों से पूरी मक्का की फिजा जो थी वो गूंज उठी थी। मनासिक हज की अदायगी का आगाज हो गया है और इस सिलसिले में जहां पर मक्कतुल मुकर्रमा यानी सऊदी अरब के अंदर आज़मीन हज आज से मनासिक हज की अदायगी का जो आगाज ऑलरेडी कर चुके हैं, और चूंकि वक्त की सिर्फ जो टाइम शेड्यूल रहता है वो आगे पीछे भारतीय वक्त के मुताबिक, हज का सबसे जो अहम रुकन आज़म वकूफ़े उरफा जो कि 9 ज़िलहज को होगा, लेकिन उससे पहले तैयारियां क्या हैं, ये ताज़ा तस्वीरें आपके सामने। पिछले 12 घंटों के दौरान जो तमाम आज़मीन मदीना मुनव्वरा से ज़ियारत करने के बाद या जिन की डायरेक्टली मक्का फ़्लाइट थी और जो जद्दा से कुछ मक्का पहुँचे, बड़ी तादाद में 10 लाख के करीब, इस बार चूँकि सऊदी हुकूमत की इजाज़त है तो 10 लाख आज़मीन दुनिया भर से इकट्ठे हुए हैं। और अब जो फैसला लिया गया है, मनासिक हज की अदायगी के साथ साथ सिर्फ आज़मीन हरम पाक के अंदर दाखिल होंगे। सिर्फ आज़मीन का मतलब ये हुआ कि पहले जो अमले के लोग जाते थे, पानी बेचने वाले जाते थे जो बॉटल्स फरोख करते थे, इसके अलावा एक वो अमला होता था जो आपके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, अगर कहीं आपको किसी का कोई बैग किसी का कोई चीज़ रह जाती थी तो वो आपको साथ या आप तक पहुंचाने में मदद करता था। तो अमले के अहलकारों के अलावा यानी सिक्योरिटी ऑफिशल्स के अलावा और आज़मीन के अलावा हरम पाक में किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। ये दो चीज़ों के चलते फैसला लिया गया, एक तो सिक्योरिटी रिव्यू क्योंकि सऊदी गार्ड साथ साथ एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, कल से तस्वीरें आपको बताई हैं हमने, इसके अलावा कोविड की वजह से क्योंकि सख्त गाइडलाइंस हैं तो बगैर मास्क के और बगैर आज़मीन के यहाँ कोई भी अच्छा, इसमें बड़ी दो दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो हम इस बार देख रहे हैं कि सऊदी एस्टेब्लिशमेंट ने की है। रॉबर्ट्स का इस्तेमाल हो रहा है सैनिटाइजेशन के लिए, एक तो ये है, और दूसरा जो अब जमजम का पानी है या पीने का पानी भी अंदर सार्फिन को देना है, हाजी साहिबान को देना है, उस हवाले से भी जदीद टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कम से कम ह्यूमन कॉन्टैक्ट और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो वहाँ पर परफॉर्म कर सके। तो 2 साल की पाबंदियों के बाद 10 लाख के करीब हुजाज किराम हज की अदायगी करेंगे और आज मिन्ना की जान में रवानगी होगी और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए आज़मीन आज और कल ज़िलहज यानी 7 और 8 ज़िलहज की दरमियानी शब को मक्कतुल मुकर्रमा से मिना के लिए रवानगी करेंगे जहां पर वो रुकेंगे और उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चलेगा। और इस सिलसिले में तमाम तर जो इंतजाम हैं सऊदी हुकूमत के वो करा दिए गए हैं और ये कहा गया कि ये जनाब पिछले साल के मुकाबले में सऊदी इंतजामिया के जो डाटा आया है उसके मुकाबले में ये कहा गया कि अगरचे तादाद थोड़ी सी कम जरूर आपको नजर आएगी लेकिन पिछले साल के मुकाबले में इस साल अरेंजमेंट्स में भी बेहतरी है और जायरीन जो हाजी साहिबान आए हैं उनके चेहरे भी मुस्कुराए हुए हैं क्योंकि पाबंदियां बहुत ज्यादा खत्म कर दी गई हैं और तकरीबन ये 12 बिलियन के करीब लोग टोटल होंगे जो फरीज़े हज अदा करेंगे इस दौरान, तो लगभग शुरुआत हो गई है। बिल्कुल, कुछ शरायत रखी गई और शरायत वही कोविड के चुके रहनुमा खुदूद दी है। फुल तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइएगा क्योंकि तस्वीरें रात भर से अब तक की है, आज़मीन मक्का पहुंचना शुरू हुए थे तब से लेकर अब तक की, और इस सिलसिले में एक तो RT-PCR टेस्ट जो है वो नेगेटिव तमाम आज़मीन का होना चाहिए, वो एक लाजमी करार दिया गया है और मास्क को लाजमी करार दिया गया है। इसके अलावा आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें किसी भी किस्म की गड़बड़ी होती है, 325 अफराद अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं सिर्फ इस सिलसिले में जो कि अभी तक परमिट के बगैर जो आज़मीन खुद को कह रहे थे लेकिन यहां पहुंचे थे, तो सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ भी हुई है और वहां के कानून के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। 325 अफराद ऑफिशियली अब तक गिरफ्तार हुए हैं जो आज़मीन बताते थे लेकिन परमिट के बिना यहां पहुंचे थे, और अब चूंकि सनीचर का भी इंतजार है और मनासिक हज की अदायगी का एक अहम रुकन वकूफ़े अरफा और मस्जिद निमरा से जब खुतबा भी दिया जाएगा सनीचर के रोज, तो उसके बाद फिर आप देखेंगे कि इस बार बड़ा दिलचस्प होगा। फ्राइडे को भी यह खुतबा, बिल्कुल सैटरडे को भी यह खुतबा और संडे को भी यह खुतबा होगा, यानी बिलतरतीब 3 दिन आपको खुतबा जो है वो देखने को मिलेगा। और हम भी कोशिश करेंगे कि वक्फे वक्फे से आपको सऊदी हुकूमत या जो मनासिक हज है वहाँ पर किस तरीके के इंतजाम है, वहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, आपको वक्फे वक्फे से अपडेट भी करेंगे। आप बने रहेंगे जी गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। और 9 ज़िलहज को वकूफ़ अरफा होगा, जुम्मा भी होगा यानी कल का दिन होगा, उस दिन जो खुतबा होगा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो बराह रास्त पहुँचाएँ ताकि आप भी मुशर्रफ हो जाए उन कलिमात के साथ जो वहाँ पर अदायगी होगी।